साड़ी पहनी है? कभी नहीं पहनी है ड्रेस। तो चलो अब अपने अपने घर वालों सबके साथ। ए प्रेस तो भाई साहब, प्रेस का तो पता नहीं क्या होगा। क्लास के दो नमून ए। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू, अबे यार पीछे आओ पहले तो, वहाँ पे साफ नहीं आता। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग होने में इसलिए अभी बस गुड नून होने में कुछ ही टाइम बाकी, आधा घंटा बाकी, अभी 11:30 हो रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज और आज है मेरा लास्ट पेपर 21 तारीख का, बायोकेमिस्ट्री का पेपर है मेरा, तो उसको देने के लिए जाना है और पेपर है वही 2:30 बजे से, तो अभी बस वहाँ जाना है। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, पहले तो मैं तैयार होऊंगा, वो तो दूसरा काम है, पहले मुझे एक मम्मी ने चावल चढ़ा रखे तो उनको मुझे बस गैस चलाना है, बंदूक मारनी है, चावल पकाने, तब जाऊँगा कॉलेज, खा के तो नहीं जाऊँगा। और फिर आज मतलब बोला जाए तो कॉलेज का होगा लास्ट डे ना। ये खोला गैस, लगभग 12 बजे तक निकलूंगा घर से, तो पहले मैं फटाफट तैयार होता हूँ। ओ हाँ, और तैयार होने से पहले मेरे को एक चीज़ और रखनी थी यार, एनसीसी की ड्रेस। एनसीसी की ड्रेस मेरी एनसीसी नहीं थी, या तुम सोच रहे हो कि मेरी एनसीसी, मेरी नहीं थी, एनसीसी थी मेरे भाई की, तो उसने एनसीसी ली और क्या बोलते हैं, उसने ड्रेस सिलवाई पूरा तामझाम जो होता है एनसीसी का, बैरेट वगैरह सब ले गए, और उसके बाद वो भर्ती हो गया तो उसकी ड्रेस वैसी रह गई। काश मैंने भी ली होती तो मेरे साथ भी ऐसे जाता, सबके साथ नहीं होता। खैर तो चलो मैं फटाफट पहले वो रख दूँ, वो ना भूलूँ, तो क्योंकि मेरे को आज किसी को देनी है वो ड्रेस। अब मेरे पास रखी रहेगी, पड़ी रहेगी, 2 साल से वैसी पड़ी है, अभी कुछ काम नहीं है, तो मैंने कहा किसी को दे देता हूँ, तो मिला है मेरे को एक बंदा, तो उसको दे दूंगा मैं। तो पहले मैं फटाफट निकालूँ, गुंजमुंज और की होगी, और फिर तो ये निकाल दिया मैंने ड्रेस, आज ही खोल रहा हूँ मैं इसको, कितने टाइम बाद। देखो क्या क्या है इसमें, बेल्ट है, पैंट है, प्रेस तो भाई साहब प्रेस का तो पता नहीं क्या हो गया, और ये पता नहीं क्या क्या है, जिसका काम उसी को साझा, पैक कर देता हूँ वापस। तो चलो गाइस ड्रेस भी रख दी है। अब भाई यार नीचे क्यों आ गया, मेरे को तैयार होने गया था, मैं ऊपर ड्रेस रखी बैग में, फिर नीचे आ गया, चावल भी पकने वाले हैं तो इतने में मैं तैयार होके आता हूँ। तो ये हो गया मैं तैयार, और अब बस फटाफट से, आज गाइस लास्ट डे है इस ड्रेस का, आज आखिरी बारी अपन इसको पहन रहा है। पहले मैं सोच रहा था सिविल में चला जाऊँ, मैंने कहा नहीं कॉलेज जा रहे हैं, आज आखिरी बारी पहनी वैसी भी ड्रेस, तो बस लास्ट है, चावल की सीटी आने वाली है आज के बाद, अब कभी नहीं पहननी है ड्रेस, सीधा और संक्षिप्त में यही कहूँगा, क्योंकि आज लास्ट दिन है। और माहौल आजकल मिर्चियों का और रखा सब जगह, ये देखो तुमने अचार देख ही लिया होगा व्लॉग अचार वाला, तो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखना, बहुत टेस्टी अचार बनाया हमने मिर्ची का, और वहाँ मिर्चियाँ सूख रही है, मसाला सूख रहे हैं, ज़रा ये रजाइयाँ निकाली थी, सर्दियाँ आना शुरू हो गई हैं, और कुछ मिर्चियाँ येरी। तो अभी चलते हैं और सतपुली के रास्ते जाऊँगा, तो सबसे पहले अभी कल ताई जी और का गाय पी आई, तो बोर्ड हुई की बात हुई पता नहीं दिखता जाओ हाँ। और यहाँ पर देखिए हमारे ताऊ जी, ताऊ जी तुम बोलते चमकयाल, ताऊ जी यहाँ पे रंग रोगन कर रहे हैं, देख रहे हो आर्टिस्ट है, अरे बिल्कुल कड़क बोल दी जहाँ थे इना तो भेज गया, ये साड़ी पहरी है, हाँ कपड़ा तो बचन से ना भाई, कपड़ा नहीं होता खराब, बोर्ड हुई की बात हुई बोर्ड है बढ़िया कक्ष बोर्ड कक्ष भीतर बनी हुआ की खुली हुआ पता नहीं दिखता चौ, ये हो चु देखो, ये देखो ये रहा छोटू, हेलो वेलकम टू इंडिया वेलकम, अरे अरे खड़े मत हो, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, देखो क्या मस्त हो रहा, हा यो द लग गया मुंडिये पर, ये जरूर हूँ कॉलेज पेपर चार्ज, दाल सुखाई दाल अच्छा गए थे, चलो चलो छोमी मुंड तो तज गया, उफ सर लग गया यार, यक तो तिबारी का डांडा वे गया। सो गाइस सतपुली पहुंच चुका हूं, और सतपुली पहुंचते मैंने सामान भी भर लिया गाड़ी में, अब इसको लेके फरार हो जाऊंगा, ये रही चाबी और ये रही गाड़ी, देख लो रिवर्स है, मैंने यहां पे टो करी है पीछे, यहां से टो करके इधर को भगाऊंगा, गजब तू बीवाज आदमी। तो चलिए गाइस जैकेट मैंने डाल दी, क्योंकि मेरे को एहसास हुआ कि ठंड लग रही है, तो तबीयत वैसे मेरे को जुकाम हो रहा है तो और ख़राब ना हो, इसलिए जैकेट डाल दिया, क्योंकि अब स्कूटी चलाते टाइम ना ऐसे हवा लगती है। अब चलते हैं सीधा कॉलेज।
सो गाइस फाइनली कॉलेज में हूँ और ये देखिए कॉलेज जैसे कि खाली है वैसे ही, यहाँ 1 बजे बच्चे नहीं दिखते तो 2:30 बजे तुमको क्या है बच्चे दिखेंगे। अभी 1:30 बज रहे हैं और अब चलते हैं, और आज देख लो कॉलेज को जितना देख रहे हो मेरे व्लॉग में, इसके बाद मैं गारंटी नहीं लेता कि मैं दिखाऊंगा तुमको अपने व्लॉग में कॉलेज, गारंटी नहीं है ना, दिखा भी सकते नहीं, पर कायदे से लास्ट है, जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से लास्ट है। झूठ बोल रहा है। बाकी कोई आया नहीं है, 2 बच्चे आए अपनी क्लास के, वहाँ पे चले गए, वो देखो वो जा रहे गिनती के बच्चे और कॉपी, हम मिलते हैं आपको एग्ज़ाम के बाद 5 बजे, फिलहाल दिमाग की दही हो रखी है क्योंकि पेपर है अपना बायोकेमिस्ट्री, समझ रहे हो। अभी हो चुका है ठंड का माहौल और पेपर देके हम आ चुके हैं, समय पूरा 5 बज चुके हैं, तो 5 मिनट पहले ही आ गया, आज लास्ट पेपर था, आराम से कर रहे थे बैठ के। और ये है हमारी क्लास के 2 नमून ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट भूतकाल साइंटिस्ट भविष्यकाल, सॉरी सॉरी भविष्यकाल साइंटिस्ट। तो गाइस आज फाइनली हमारा लास्ट पेपर खत्म हो चुका है और अब इसके बाद कौन कहाँ दिखेगा, काफी मजा आ रहा है भाई, भरोसा नहीं है, इसका गारंटी मैं नहीं दे सकता। दिखेंगे लाइव वीडियो में, लाइव तो मैं आता ही नहीं हूँ, दिखूंगा गाइस बहुत जल्द, और मैं आपको जल्दी उसमें मिलूंगा, मैं आपको वोट पे दिखूंगा गाइस, मैं जल्दी आपको आज तक में दिखूंगा रिपोर्टिंग करता हुआ, डिबेट करता हुआ ना, बाकी हल्की हल्की धूप है अभी, पेपर बहुत बढ़िया हुआ, क्वेश्चन ठीक थे लेकिन हमने क्वेश्चन ठीक थे लेकिन है तुमने पढ़ा नहीं था, आए नहीं भाई। शिवानी पेपर कैसा हुआ, तेरा भाई खाता खुलवाएंगे अभी कॉलेज में दोबारा अटेम्प्ट के लिए, तो शुद्ध हिंदी लिख के आए, अरे कहना क्या चाहते हो। सो गाइस सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचा रहे हो तुम, आज तुम मेरे साथ आखिरी बारी फोटो खिंचा रहे हो, सारे फोटो में देखो क्या देखो और क्या कर रही है, ठीक है, अरे बोलो जय माता दी, चलो बस हो गया सेलिब्रिटी के साथ फोटोग्राफी, हो गया हो गया, चलो चलो अब अपने अपने घर लो सबके साथ, कोई सा दीप मत जाना, थार निकाल गया, थार निकाल गया अभी था, चलो गाइस अब चलते हम, यहाँ से कहाँ जाना है, चलिए गाइस हमने हेलमेट पहन लिया है, अब चलते हम सीधा अपना गुमखाल, यहाँ से और गुमखाल में 5 मिनट रुकना है और बस। चलो गाइस गुमखाल से 1-2 चीजें लेनी है और फिर चलते हैं, और इधर सनसेट हो रहा है बहुत बढ़िया है, देखो एक तो जुखाम भी लग गया यार, और गाड़ी में अच्छा हुआ जैकेट ले गया, मैं जैकेट नहीं ले जाता तो क्या ही होता मेरा हाल, इतनी ठंड लग रही है, मैं घर चलता हूँ थोड़ा फ्रेश होके तब आता हूँ सीधा टी टाइम पे, पर हम तीनों बैठ के अभी खा रहे हैं मस्त चाय और फैन। देवराज्य सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्र विन्दुवेकरं कृपाकरं नारदादि योगि वृंदु वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुकां प्रभा। हे गाइस तो पूजा पाठ वगैरह कर लिया है, चाय पी ली है, तो अभी मैं जरा लेटा हूँ, पूरा मेरे को जुखाम बहुत ज़्यादा, मेरा सर सा थोड़ा भारी सा हो रहा है, तो रात को थोड़ा खाना वाना खा के, दिन में खाना भी नहीं खाया क्योंकि कॉलेज का टाइम ही ऐसा था पेपर देने जाने का 2:30 से 5, खाना भी नहीं खाया और जुखाम भी हो रहा है, तो थोड़ा रेस्ट करूँगा, नाक बह रही है तो लेटा रहना पड़ेगा क्योंकि बैठ रहा हूँ तो नाक बह रही है, कोई बात नहीं, कितने दिन लगे जुकाम, तो आज क्या भी क्या करना भी क्या था यार कॉलेज में, मतलब पेपर हुआ उसके बाद सब अपने अपने घर, क्योंकि 5 बजे तो पेपर एंड हुआ, कॉलेज ने टाइमिंग ही ऐसे रखी हुई है पेपर की 5 बजे, और आज सबसे टफ पेपर था हमारा, हो गया चलो जैसे भी था जो भी था हो गया, तो फिर उसके बाद घर आ गया, 6 बजे मैं घर पहुंच गया, और अभी बस पूजा वगैरह करके बैठा हूँ, तो मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू तो मैं मुश्किल नहीं हो पाएगा क्योंकि जुखाम हो रहा है मेरे को, मैं बैठ रहा हूँ मेरे से बोला नहीं जा रहा है, गला भी बैठ रहा है शायद और जुखाम भी, क्या पता ठंडे पानी से नहाने से हुआ हो, मैं अभी भी ठंडे पानी से नहा रहा हूँ या वैसे हुआ होगा पता नहीं। चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड यहीं पे, छोटा सा ब्लॉग था जितना भी था जो भी था, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने से पहले एक चीज़ और चेक करना कि सब्सक्राइब करने के बाद जो इधर घंटी का आइकन आता है ना यहाँ पे आ रहा होगा वो आता है ना बेल आइकन, उसको दबा के ऑल कर देना, मुझे लग रहा है शायद सब पे नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है क्योंकि वीडियो डालता हूँ तो नोटिफिकेशन जाता है सबके पास, तो अगर तुमने बेल आइकन ऑन नहीं किया होगा तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, वीडियो आएगा और बीच में ही गुमसुम हो जाएगा, समझ रहे हो।
चलो अब ज़्यादा ना बोलते हुए करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, फिर होगा धमाल। रोत्यालू गाँव याद आणू चा, रोत्यालू मुलक याद आ।